मैदानी इलाकों की धूल का असर पहाड़ों में भी देखने को मिल रहा है। बादलों की लुकाछिपी के बीच शिमला की पहाड़ियां धुंध से ढकी देखने को मिल रही हैं, जिस कारण उमस बढ़ने से लोग भी परेशान हैं। शिमला में वीरवार को 75% ह्यूमिडिटी दर्ज की गई। शिमला में ह्यूमिडिटी बढ़ने का असर वातावरण में उमस और घुटन के तौर पर देखने को मिला। शिमला में सुबह से ही धुंध फैली हुई थी। मौसम केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह का कहना है कि तापमान पर नियंत्रण का काम ह्यूमिडिटी करती है, लेकिन इससे मिनिमम टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है। इसके असर से वातावरण में धुंध पड़ने के कारण उमस बढ़ जाती है और लोग गर्मी से तड़पने लगते हैं और घुटन और बेचैनी आम जीवन में देखने को मिलती है। उन्होंने बताया कि राजस्थान की धूल की कण पहाड़ों में भी पहुंच रहे हैं, जो कि दमा और अस्थमा के मरीजों के लिए तकलीफ दे सकते हैं। जो हिमाचल प्रदेश में जो खास करके शिमला में और आसपास के इलाकों में जो विजिबिलिटी कम हुई है, स्मोक है, ये इसकी वजह मेन है कि जो आज ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी और उसके बाद जो स्ट्रांग वेस्टर्ली चल रही थी, प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से जो ये स्मोक सेटअप हुई है। इसमें जब भी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है और डस्ट पार्टिकल, जैसे कि जो वेस्टर्ली विंड चल रही थी तो जो अपने राजस्थान का एरिया, वहां से डस्ट पार्टिकल भी कैरी करती हैं विंड्स, और यहां पे आकर जो है ये स्काई भी ऑब्स्कर्ड हो जाता है और जो नीचे ग्राउंड लेवल पे भी जो स्मोक सेटअप हो जाता है। इसका जो लाइफ पीरियड है, जो टाइम स्पैन रहता है, जनरली 2 से 5 दिन तक रहता है, लेकिन क्योंकि एक WD आने वाली है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करेगी कल से, जिससे हिमाचल प्रदेश में स्केटर्ड बारिश हो सकती है, और उसके बाद जो अगले नेक्स्ट 2 डेज रहेंगे 16 और 17 तारीख को फेयरली वाइड स्प्रेड बारिश होने की उम्मीद है। तो ये जो सारा है फॉग और स्मोक है, ये क्लियर हो जाएगा।